अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों को, प्यार भरा सलाम नानों के दस्तरखान से। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारामद, बहुत ही वजीफ़ा लेकर आई हूँ। वजीफ़ा नहीं है ये, रोज़मर्रा के आप अपने ज़िंदगी में, मामूलात में, अपने ये रोज़ाना के मामूलात में इसको शामिल कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं पढ़ रही थी ये दुआएं, तो मैंने देखा कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आपके कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है या कोई काम में बड़ी रुकावट आ रही है आपकी, तो आप सूरह हदीद पढ़ा करें 3 दफ़ा असर की नमाज के बाद। आपके काम में रुकावट ख़त्म होगी, काम में आसानी आ जाएगी, सारी परेशानियाँ अल्लाह में दूर करेगा। सूरह हदीद बहुत ही कारामत सूरह है, और मैं इसको मेरी ज़िंदगी में, तो ये रोज़मर्रा का मामूल है, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामूल में शामिल कर लीजिए। आपका हर काम अल्लाह ताला बड़ा आसान कर देगा, बड़ी रुकावटों को दूर फरमा देगा, और हर परेशानी को दूर फरमा के आपके सारे हाजात को पूरा करेगा, लेकिन बहुत यकीन कामिल के साथ इसको पढ़िए। तो मैंने कहा अगर हम मैं कुछ दुआ पढ़ रही हूँ तो मैं आपको भी इसमें शामिल कर लूँ, आप लोगों के साथ भी इसको को बताऊँ, ताकि ये तो ये एक सदका जारी है। अगर आपके काम में परेशानियाँ आपकी दूर हो गई, आपके हाजत पूरे हो गए, आपकी तकलीफ़ दूर हो गई, तो समझ जाइए कि इस नेक काम में, सवाब में मेरा भी कुछ हिस्सा हो गया। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, इस दुआ को ज़रूर अपने साथ ज़िंदगी में शामिल करिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर फरमाएगा और सारे मसलों को हल करेगा। इसी तरह से मैं हमेशा जो भी मुझे दुआ, जो मेरी आजमूदा है, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको बताऊँगी, ताकि आप भी मेरे साथ इन दुआओं में शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। हमारी दुआएं उसी वक्त आराम में शामिल होगी जब हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दुआएं उसी वक्त कबूल होती है जब हम अल्लाह के दरबार में 5 दफ़ा सजदा करते हैं और बहुत यकीन के साथ दुआएं पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर फरमाए। सूरह हदीद 3 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए असर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सारी परेशानियों को दूर फरमाएँ और सारे हाजात को कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी दुआएँ, छोटी छोटी सूरतों को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिए।